हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तनु। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या 360। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो HPPSC HPAS रिक्रूटमेंट 2020 से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। बढ़ते आज के हमारे वीडियो की तरफ। जैसा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, प्रिंसिपल, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 10 फरवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां HPPSC HPAS भर्ती 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है, जिसमें की ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2020 है, प्रारंभिक परीक्षा तिथि 26 अप्रैल 2020 है, एडमिट कार्ड रिलीज की तारीख जो है परीक्षा शुरू होने से 3 हफ्ते पहले तक प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। HPPSC HPAS भर्ती 2020 रिक्त विवरण की तरफ देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा वर्ग 1 के लिए 11 पद, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर FCS और CA क्लास 1 के लिए 1 पद, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर वर्ग के लिए 2 पद, प्रिंसिपल क्लास 1 के लिए 1 पद, तहसीलदार वर्ग 1 के लिए 5 पद, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वर्ग 1 के लिए कुल 6 पद डिपार्टमेंट ने निकाले हैं। HPPSC HPAS भर्ती 2020 पात्रता मानदंड के बारे में देखा जाए तो शैक्षणिक योग्यता जो है उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। HPPSC HPAS भर्ती 2020 आयु सीमा की तरफ देखा जाए तो 21 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु के कैंडिडेट्स जो है HPPSC HPAS भर्ती 2020 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऊपरी आयु सीमा में आयु छूट आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाएगी। HPPSC HPAS भर्ती 2020 चयन मानदंड की तरफ देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों का चयन लिखित, जिसमें कि प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जामिनेशन होंगे और इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। HPPSC HPAS भर्ती 2020 आवेदन शुल्क की तरफ देखें तो अन्य राज्यों के सामान्य उम्मीदवार के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य के SC, ST, OBC कैंडिडेट्स को 100 रुपये आवेदन शुल्क भरना होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य का भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं होगा। HPPSC HPAS भर्ती 2020 के लिए आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार HPPSC HPAS भर्ती 2020 के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन लिंक 10 फरवरी 2020 तक सक्रिय हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।